हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, ट्रायल्स में क्या क्या देखा जाता है, अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी ट्रायल्स में देखा जाता है, स्पेशली जो अंडर 19 से नीचे की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल में तो फिर अंडर 19 के ऊपर तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, सीनियर्स हो जाते हैं वो फिर परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाता है। अंडर 19 से नीचे ही ट्रायल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, कोई सा भी ट्रायल हो। उस ट्रायल्स में आपने क्या क्या करना है वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो अंडर 14 अंडर 16 के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ से आपके कैरियर की शुरुआत होती है। और यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर दो चार ट्रायल्स में आप नहीं निकलते तो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह डाउन हो जाता है। इसीलिए जो है स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के ट्रायल्स में आप निकल जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हमेशा हर वीडियो में सबसे ज़्यादा जोर मैं इसी के ऊपर देता हूँ, बेसिक के ऊपर, जो बहुत सारे लोगों के समझ में आता ही नहीं कि बेसिक होता क्या है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, समझना है कि किन किन चीज़ों को एक सेलेक्टर देखता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें और तैयार रह सकें। और जो बच्चे डायरेक्ट ट्रायल के लिए जाते हैं उनका क्या है, और जो अकेडमी से जाते हैं उनका क्या है। अकेडमी वालों को तो मोस्टली क्या है, कोचेज बता देते हैं, फिर भी बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों का नॉलेज नहीं ले पाते अकेडमी के अंदर। इवन मेरे इसमें इतने सारे मैसेज कमेंट आते हैं कि हम फलानी अकेडमी में हैं, वहाँ पे कुछ सिखा नहीं रहे, एक साल हो गया अभी तक कुछ एक शॉट भी ढंग से सीखने को मिली, ऐसे ऐसे कमेंट आते। तो होता है कहीं पर ऐसा, बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं होता उनके पास कि एक एक बच्चे को जाके समझाए वो करे। कॉम्बाइंड में सबको बता देते हैं, जिसके समझ में आ गया नहीं तो आगे चलते जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो इसीलिए गौर करिए, इस वीडियो को देखिए। आपने ट्रायल क्लियर कर लिया तो उसके बाद मैच खेलने को जो बाद में मिलेंगे, मैच के आधार पर आपका परफॉर्मेंस जो देखा जाएगा उसके आधार पर बाद में सेलेक्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको नेट के अंदर ही ट्रायल देना है कहीं पर भी, तो नेट के ट्रायल में निकलना ज़रूरी है। नेट के ट्रायल में जो बेसिक चीज़ें देखी जाती है वो मैं बताता हूँ। आज मैं बैटिंग के बारे में बताता हूँ, अगले वीडियो में बॉलिंग के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखना, देखो जैसे आप सबसे पहला आता है आपका स्टांस। स्टांस में आप कैसे प्रॉपर खड़े हैं, ऐसा नहीं कि आपके टांग जो पैर खोलने के लिए बोलते हैं, बीच में जो आपका ये कंधे है कंधे के मुताबिक आपके पैर खुले हैं या नहीं खुले हैं, बिल्कुल ऐसे करके तो नहीं खड़े हैं। बाकी ये आपका जो स्टांस का ये बैट का पोजीशन है, ये आपका पीछे भी टेप कर सकते हैं, कई लोग आगे करते हैं, रोहित शर्मा को देखा होगा यहाँ पे करते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, वो अपनी अपनी हैबिट है। उसके बाद जो खड़े रहते हैं, देखो प्रॉपर खड़े रहने का तरीका ये है आपका बैट, कई लोग ऐसे उठा के रखते हैं, कई लोग बिल्कुल ऐसे करके रखते हैं, ऐसे आजकल नहीं चलता, आजकल बिल्कुल ये रहता है। देखो पोजीशन आपका बैट का जो ये है, बैट का डायरेक्शन है, ऐसे इस एंगल से दिखा रहा हूँ कहाँ पर इसका ये इसकी गले की तरफ इसका फेस रहता है, ज़्यादा बिल्कुल खुला भी नहीं, पूरा नीचे भी नहीं, इस तरह से पकड़े रहते हैं। और हाथ की पोजीशन आपकी यहाँ पे रहती है, देखो ऐसा पीछे भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, इस तरह से आपकी पोजीशन रहती है। ये खड़े हैं आप, हल्का सा राइट फुट आपका आगे है, छोटी छोटी चीज़ें बारीक चीज़ें देखेंगे जो आपने समझनी है, ये फुट थोड़ा सा आगे है। बाकी अगर आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं तो पहले आपने स्टार्टिंग में जो लेग का गार्ड है उससे पहले खड़े रहना है, फिर ट्रिगर मूवमेंट के बाद आपका ये पैर मिडिल में जाएगा और ये इसके सामने आ जाएगा। ट्रिगर मूवमेंट नहीं लेते तो फिर आप लेग में खड़े रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपका लेग का बॉल आएगा तो लेग स्टंप दिखेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा उसके बाद जब खड़े रहते, खड़े रहने के बाद आपका हेड कैसा, बिल्कुल बॉलर की तरफ सीधा है या नहीं है, आप पहले से ऐसे तो नहीं देखे हैं या ज़्यादा ऐसे तो नहीं झुका रखा, ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है, जब आपके जैसे फ्रंट फुट की जो भी बॉल आती है आपकी, कवर की तरफ आए, स्ट्रेट में आए, ऑन ड्राइव की तरफ आए, कहीं भी आए, जैसे माना स्टार्टिंग में मैं स्ट्रेट ड्राइव के ऊपर बताता हूँ, स्ट्रेट ड्राइव में आया आपका जो बैक लिफ्ट है वो सही लगभग इतना गया नहीं गया, किसी का बहुत ज़्यादा यहाँ तक जाता है, किसी का इतना जाता है, और अगर आप उठाए नहीं रहे बैक लिफ्ट यहाँ से सीधे सीधे ही लेके चले जा रहे खेलने के लिए, तो यहीं पे एक पॉइंट आपका कम, क्योंकि बैक लिफ्ट आपका उठा नहीं, बैक लिफ्ट अगर आपका उठा नहीं तो इसका मतलब आपका फोर्स जनरेट नहीं होगा किसी में भी, मूवमेंट आपका सही नहीं बनेगा, तो इसीलिए यहीं से सीधे आगे ले जाते हैं बच्चे, तो वो गलत हो जाता है वहाँ पे। इसलिए आजकल के हिसाब से ये है हल्का सा, ये जैसे शॉट आएगा ये लेगे ऐसे लेगे आगे की तरफ। उसके बाद जो दूसरा चीज़ आता है बैक लिफ्ट, मैंने बता दिया, बैक लिफ्ट के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी गलती होती है, ये जो पैर है अगर आप स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं तो स्ट्रेट ड्राइव में आपका पैर का जो टो है
ये सीधा बॉल की डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। तो ये एक तो टो आ गया, दूसरा एडी के साथ, देखो यहाँ से देखिए ये एडी के साथ आगे जाते हुए आगे को रोल जा रहा है नहीं जा रहा है ऐसे, ऐसा नहीं कि आपने पहले पंजा लगा लिया यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। तो ये रोल के साथ आगे जा रहा है, उसके बाद आगे जाने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ये जो ये है देखो, इसको आप ज़्यादा तो नहीं उठा रहे हैं ऐसे इधर को, ये आपका सिर्फ इसके बॉडी के पास से जाएगा आपका ये बैकलिफ्ट ऐसे करके, ये देखिए, ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेट ड्राइव की बॉल आ रही है और यहाँ उठा रही है, यहाँ आ रहे तो बैट आपका कहाँ चला जाएगा, इधर इधर जाएगा तो फिर सही पोजिशन में नहीं आ पाएगा, यहाँ से ऐसे घुमा के तो लाओगे नहीं आप। तो इसलिए जो है सीधा जा रहा है, उसके बाद सीधा पैर के बगल से आपका बैट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इस तरह से। नेक्स्ट आता है यहीं पे हेड पोजिशन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से आगे जाते समय ऐसे हल्का सा अगर आप झुकते हैं ना, झुकते हैं तो वो बेस्ट एकदम बेस्ट ऑप्शन है, इसको डिप करना, शोल्डर डिप करना बोलते हैं, इस तरह से आपने झुकना है। ऐसे झुकते हुए फिर बॉल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर चढ़ते हुए नीचे। अब यहाँ पे क्या होता है, हेड पोजीशन फॉल होती है मैक्सिमम लोगों की, तो यहाँ पे जब आप आगे चलेंगे जैसे ही बैट आपका क्रॉस करता है तो हेड ऐसा होता है, देखो मैक्सिमम बच्चों का अगर ऐसा हेड हो गया तो यहाँ पे भी आप गए, इसलिए आपका हेड ऐसा है, हेड ऐसा ही रहेगा, देखो बिल्कुल सामने से ये सीधा चला जाएगा, हेड सही रहेगा। हेड अगर आपका सही है तो आप यहाँ पे पास हैं। उसके बाद हेड पास होने के बाद भी यहाँ से आपने शॉट मारी, ड्राइव मार दी, स्ट्रेट ड्राइव मार दी, स्ट्रेट ड्राइव मारने के मारते समय आपका एल्बो कहाँ पे है, देखो एल्बो ऐसा तो नहीं हो गया आपका मारते समय ऐसा, ये एल्बो अगर आपका टूट गया तो यहाँ पे भी आप गए। इसलिए ड्राइव मारते समय टॉप एंड अगर आप हमेशा टाइट रखेंगे ड्राइव मारते समय, इस तरह से सीधा सा रखेंगे तो आपका एल्बो कभी भी टूटेगा नहीं, और इसका हल्का सा सपोर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा कस के नहीं पकड़ना, हल्का सा सपोर्ट में रखना है, और टॉप एंड से टाइट पकड़ेंगे, बॉल को नीचे दबाते हुए मारेंगे तो ऑटोमेटिक एल्बो आपका अप आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा जोर लगाएंगे ऐसा हो जाएगा तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, बॉल भी आपकी ऊपर उठ सकती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ड्राइव पे। उसके बाद जब आपकी फिनिशिंग हुई, अब इस एंगल से दिखाता हूँ, फिनिशिंग होते समय मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कर देते, देखो इसको ज़्यादा दबा देते हैं कमर को और ये घुटना बिल्कुल नीचे दबा देते हैं, तो ये यहाँ पे ये नहीं करना है और ऐसा नहीं करना है, इस तरह से ये हमेशा सीधा रहेगा। अब बड़े प्लेयर्स को देखेंगे आप, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, वो लोग भी मारने के बाद हल्का सा ये दबाते हैं, वो बात की बात है। अभी आपने ट्रायल में फ़िलहाल जितना हो सके सीधा रखना है इसको, जितना सीधा रखोगे उतना अच्छा बैलेंस बनेगा आपका। तो ये पोजिशन आपका फ्रंट फुट में बॉडी वेट गया नहीं गया, ऐसा तो नहीं ऐसे करके कर रहे हैं, फ्रंट फुट में बॉडी वेट देते हुए ऐसा पोजिशन होना चाहिए आपका। उसके बाद फिनिशिंग आप अच्छी पोजीशन दिखानी है लास्ट में, जब मारते हैं ना जैसे ड्राइव मार दिया टक मारा, अच्छा सा पोजीशन यहाँ पे इस तरह से, ये पोजीशन अच्छी दिखानी है आपने। ये हो गया ड्राइव के ऊपर, स्ट्रेट ड्राइव के ऊपर, सेम कवर ड्राइव के ऊपर आता है। अब यहीं से बाकी सब का सेम समझ लीजिए आप, कि कवर ड्राइव में आपने फिर यहाँ पे बॉल आई तो इसका टो का पोजीशन इस डायरेक्शन, फिर सीधा नहीं आएगा आपका, ये आएगा हल्का सा ये एल्बो, ये एक लाइन में होगा बॉल की डायरेक्शन में, फिर सेम बैकलिफ्ट हल्का सा यहाँ पे, देखो यहाँ से सीधा जा रहा था ना, यहाँ पे हल्का सा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जाएगा तभी यहाँ से सीधा आ पाएगा। ऐसा नहीं कि पहले आप सीधा ले गए फिर बाद में ऐसे घुमा के लाए, वहाँ पे क्या हल्का सा आपका रिस्ट अगर मुड़ गया तो फिर बॉल सही से कनेक्ट आपकी नहीं होगी। बाकी पोजिशन, फिनिशिंग, बॉडी वेट ट्रांसफ़र, बैक लिफ्ट, हेड पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ आपने हल्का सा यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कवर ड्राइव, ये वहीं उसी लाइन में आपने जाना पड़ेगा कवर ड्राइव के लिए। ये हो गया। उसके बाद जितना पॉसिबल हो सके हर शॉट को, पुल शॉट भी आ रही, कट शॉट भी आ रही, सभी शॉट्स को ग्राउंडेड मानना है किसी भी हालत में। माना आपकी पुल शॉट की बॉल आ गई, आप खेल रहे हैं, इतनी ऊँची उठी हुई बॉल आ गई, आई लेवल से नीचे की बॉल, आई लेवल से ऊपर आती तो आपने डक कर देना, छोड़ देना है, वहाँ से आई लेवल के ऊपर आई तो, या तो जैसे दो तरीके से मारते हैं, एक तो फ्रंट फुट में जाके पुल मारते हैं, एक हल्का सा बैक फुट में जाके पुल मारते हैं, आप जैसे आपकी हैबिट है मार सकते हैं। रोहित शर्मा फ्रंट फुट से मारते हैं, कई लोग बैक फुट से मारते हैं, अपनी अपनी हैबिट है, आपको जैसे हैबिट बनी है वैसे मारो। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉल को किसी भी हालत में आपने बैक लिफ्ट को ऊपर ले जाके बॉल को नीचे दबाना है, ऐसे क्रॉस में चौका मारना। अगर हवाई शॉट आपने नेट प्रैक्टिस में मार दी
तो वहाँ पे भी क्या देखते हैं कि मोस्टली वो बच्चे छांटते हैं जो जिसका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है, यानी हर शॉट को ऊपर नहीं उठा रहा, ग्राउंडेड शॉट मार रहा है। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके शॉट को पुल शॉट भी आ रहा है ग्राउंडेड मारो, कट शॉट आ रहा है ऊपर से नीचे दबाते हुए ग्राउंडेड शॉट मारो, फ्लिक मार रहे हो, फ्लिक मारते समय देखो क्या बताया था मैंने, कई लोग ऐसे फ्लिक मारते हैं, ये घुटना बैंड रहता है फ्लिक मारते समय, घुटना बैंड नहीं होना चाहिए आपका, फ्लिक मारते समय हमेशा घुटना ये ऐसे रहता है, कोहली को आपने देखा होगा ऐसे करके रहता है फ्लिक, ये ऐसे करके। और यहाँ पे भी हेड पोजीशन का बहुत रोल है, फ्लिक करते समय मैक्सिमम बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये ऐसे करते हैं फ्लिक, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे भी सेम इस तरह से मारना है फ्लिक शॉट को, ये चीज़ होगी। इसी तरह बाकी जब स्पिनर आता है स्पिनर के अगेंस्ट में फुट मूवमेंट, अब इन सब के लिए आपने बेसिक वीडियो देखनी ज़रूरी है एक एक करके। अगर आपने चैनल में नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में 5 years to 18 years करके, फर्स्ट नंबर वीडियो से लेके काफ़ी वीडियो बन चुकी है उसमें, एडवांस में आगे आगे धीरे धीरे बनते जा रही, तो वो वीडियो को देख के डेली उस रूटीन में प्रैक्टिस करना तो आपका तभी होगा। आज आपने वीडियो देख लिया, आप ट्रायल देने जा रहे हैं, आज ही वीडियो देखा है, आज ही सीधे जाके आप ट्रायल देने जा रहे हैं, तो फिर वो आपने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको वो चीज़ वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, देख तो लिया आपने वीडियो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते।